क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मिशाल जो है अभी जाने लगी है शॉपिंग करने। हम लोगों ने जाना है, गोल्ड लेना है, थोड़ा सा बेबी को गिफ्ट देनी है, मतलब टॉप्स देने थे मेरे, ज़्यादातर टॉप्स या वालियाँ जो भी मिलेंगी। तो वहाँ पर हम जाते हैं और अभी देखते हैं जो चीज़ मिली हम वही ले लेंगे बेबी के लिए। और फिर बच्चा पार्टी जाना है तो वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है बेबी के कपड़ों की, तो जाते हैं अभी हम। और रक्षा हमने ऑटो करवा लिया और हम जाने लगे हैं। अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले घर जा रहे हैं हम लोग। और फिर हम जब वापस में आएंगे वहाँ से तो फिर हम लोग बच्चा पार्टी पे इधर रुक जाएंगे। बच्चा पार्टी पर ही अभी फिलहाल हमारे घर से तो वो करीब है, मगर हमने बोला पहले हम लोग पहले वहाँ से हो लेते हैं और फिर उसके बाद इधर से आते हुए फिर हम लोग बच्चा पार्टी से शॉपिंग कर लेंगे। तो अभी हम पहुँचते हैं गल्फ। केरा बच्चा पार्टी तो करीब ही है हमारे घर के। और अभी हम आ चुके हैं गल्फ मार्केट। इधर से हमने लेने हैं टॉप और मैंने इधर से ले लिए हैं बेबी के लिए टॉप्स ले लिए। बालियाँ भी देखी मगर मुझे टॉप्स ही अच्छे लगे हैं। अभी हम आ चुके हैं बच्चा पार्टी। इधर से लेने हैं मैंने बेबी के लिए गिफ्ट लेना है और मैंने इसके लिए कपड़े लेने हैं। सेल अभी तक लगी हुई है, तकरीबन ये 1 मंथ होने वाला है इस सेल को जो कि अभी तक लगी हुई है। तो अभी हम जाते हैं अंदर और देखते हैं कि अब क्या क्या न्यू वैरायटी है इधर। अभी आ गए हैं अंदर। बॉक्सेस, लंच बॉक्स, प्लेट्स, नेकलेस, सब चीज़ों पे वही सेल लगी हुई है। किसी पे 50% ऑफ है, किसी पे 30% ऑफ है और काफ़ी अच्छी है। आप लोग भी इधर आके विज़िट करें, काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं आप लोग इधर आके। बाकी शर्ट्स वगैरह, मगर मैंने लेना है बेबी ड्रेस तो मैं आगे चलती हूँ बेबी के पोशन में क्योंकि मैंने लेना है। और मैं मार्केट से हम लोग घर आ चुके हैं। मिशाल को ये मैंने दिलाई थी गेटी जो कि मिशाल की टाइट्स भी यही बनी हुई है और मिशाल को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर मैं मिशाल को पिंक चीज़ें दिलाती हूँ। और ये मैंने ली थी टॉप स्कूल की जो कि मैम गई थी, आप लोगों को मैंने बताया था मैं गल्फ गई हूँ और वहाँ से ये मैंने टॉप्स लिए हैं जो कि न्यू स्टाइल है 2 in 1। ठीक है, फ्रंट पर जो है इसके ये है स्टोन वाला और बैक पर यही चीज़ है। मतलब आप फ्रंट भी ये पहन सकते हैं, बैक भी पहन सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और ये न्यू स्टाइल आया तो मैंने ले लिया बेबी के लिए। और ये ड्रेस लाई हूँ मैं हुसैन के लिए गिफ्ट देने के लिए। तो ये मैंने हुसैन का गिफ्ट लिया है। इसके शर्ट शॉर्ट है और ये शर्ट है जो कि है ये एंग्री बर्ड वाली। तो ये सब लिए हैं मैंने मार्केट से। मार्केट गई थी, आप लोग ने देखा है कि मैं शॉपिंग करने गई थी, बच्चा पार्टी गई थी, गर्ल्स गई थी, वहाँ से मैंने गोल्ड लिया और फिर वहीं से मैंने कुछ ही ड्रेसेस ले लिए। तो मैंने हुसैन की वाली ड्रेस भी वहीं से ली है, एंग्री बर्ड वाली। फिर नेक्स्ट ड्रेस आ गई है, मैंने लिए है मुन्नी के लिए जो कि ये मैंने ली थी गर्ल्स से और ये बहुत प्यारी शर्ट है। और इसके साथ ये है जीन्स जो कि आप लोग देख रहे हैं, जीन्स पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेमन कलर है इसका। शर्ट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है। बाकी जब मैं हैंग करूँगी तो लास्ट लुक आपको मैं इस ड्रेस की तब भी दिखाऊँगी। शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। तो ये मैंने ली है फर्स्ट ड्रेस बेबी की, सेकंड भी दिखाती हूँ मैं आपको। सेकेंड ड्रेस ली है मैंने बच्चा पार्टी से, ठीक है। और ये है बेबी पिंक कलर है और ये शर्ट है, इसकी शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। और बाकी इसके साथ ये ट्राउज़र है रैम्बो वाला जिसपे साइड पर ये पॉकेट्स हैं और बहुत प्यारी ड्रेस है ये। ये भी मैंने बेबी के लिए ली है, छोटी बेबी के लिए ड्रेस। और इसका लुक भी बहुत अच्छा है, इसका भी फाइनल लुक हम आपको हैंग करके फिर दिखाएंगे, ठीक है। और थर्ड ड्रेस मैंने इसका ये वाली शर्ट ली है जो कि रेड कलर की है। और ये मैं गई थी गुल प्लाजा, ये मैंने वहाँ से ली है शर्ट। ये शर्ट और इसके साइड पर जो है स्लिप्स पर ये डिज़ाइन बना हुआ है, इस पर ये प्रिंट हुई हुई है। और इसके साथ मैंने लिया है प्यारा सा शॉर्ट जीन्स का जो कि ये शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके बेबी के ड्रेसेस कैसे लगे क्योंकि मैंने अभी बड़ी ही लिए हैं। ये तकरीबन 12 मंथ to 18 मंथ तक की बेबी के ड्रेसेस हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने लिया है एक बैंड जो कि बहुत प्यारी है रेड कलर की। इस ड्रेस के साथ मैंने बेबी बैंड ली है
और एक मैंने पिंक कलर की बच्चा पार्टी से ही लिया है मैंने ये वाला बैंड भी, ये मैं लाई थी मिशाल के लिए जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, बट ये मिशाल पे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इस ड्रेस के साथ ही बेबी को लगा दी। ये भी बैंड है बच्चा पार्टी का, तो ये हो गई है। बाकी मैं आप लोगों को फाइनल लुक तो इनका मैं हैंगर करके दिखाऊँगी, ठीक है, इस ड्रेसेस का। ये मैंने एक टेल फ्रॉक ली है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है और पीछे से बिल्कुल टेल है, फ्रॉक का फुल लुक ये रहा। बाकी इसको भी मैं अभी पैक करती हूँ और लास्ट लुक आपको मैं दिखाऊंगी। ये फ्रॉक बहुत प्यारी है, मैंने बेबी के लिए ली है। ड्रेसेस सारे पैक करके अब मैं अंदर ही शॉपर में रखने लगी हूँ। सारे ड्रेसेस पैक मैंने कर लिया है, थोड़ा हैंग कर लिए हैं सारे ड्रेस, ये सारे ड्रेस मैंने हैंग कर लिए हैं, ये भी मैंने हैंग कर लिया है। इसमें मैंने बैंड भी डाल दिया रेड कलर का, वैसे दो ड्रेसेस के साथ मैंने दिए हैं बैंड, के साथ भी मैंने दिया है बैंड, जो कि पता नहीं कहाँ से भी है इसका बैंड। चलो बात है, बाकी ये सारे मैंने लुक पैक करके फ्रॉक वगैरह डाल दिए। विशाल क्या करने लगी हो, हुसैन का भी मैंने पैक कर दिया। ये ड्रेसेस में बैंड लगा दिया, एक इसका ये ड्रेस भी है और बाकी ये सब अब मैं करने लगी हूँ पैक, गिफ्ट सारे दे रही हूँ। और ये भी मैं बच्चा पार्टी से लेकर आई हूँ जो कि ये बॉक्स है पूरा, इसमें है जूसर मशीन है, टोस्टर है जिससे मतलब स्लाइस चलते हैं, और बाकी आई थिंक सो किचन सेट, ये किचन सेट बना हुआ है पूरा, किचन है और ये है डिस्पेंसर, मतलब ये पूरा वो है किचन, किचन आइटम है ये, और बहुत प्यारी बॉक्स है ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और गिफ्ट देने के लिए आपको भी किसी को बेबी वगैरह को गिफ्ट देना हो तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें आते हैं 1, 2, 3 सेट्स आते हैं। अब तीन सेटों में क्या क्या आता है, पहला सेट जो मैंने लिया है, दूसरा ये है वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ें हैं, और तीसरे सेट में ये लोग ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब 3 सेट्स आते हैं इसमें जो कि मैंने इसका 1 सेट लिया है। और इंशाल्लाह बर्थडे पे 2 और सेट फिर 3rd इस तरह देती रहूँगी। एक मैंने बेबी पिंक कलर का हैंगर लिया है और एक मैंने लिया है ये फीडर का, फीडर वॉशर लिया है, ये मैंने लिया है बेबी परफ्यूम जो कि बहुत प्यारी परफ्यूम है, आप लोग देख रहे हैं ये है बेबी परफ्यूम, ये मैंने ली है बच्चा पार्टी से ली है और बहुत प्यारी परफ्यूम है ये। और इसके अलावा ये शूज़ नॉर्मली मिल रहे थे, मैंने ये ले लिए। और बाकी ये मैं लाई हूँ अपने हुसैन के लिए वाटर बोतल जो बड़ी प्यारी एंग्री बर्ड की है, ये अभी तो पैक हुई हुई, इस पर एंग्री बर्ड हुआ हुआ है, एंग्री बर्ड बना हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैंने मुन्नी के लिए ली हैं। विशाल आप क्या कर रही हो, विशाल को ये सब चीज़ें चाहिए थी तो मैंने व्लॉग बनाना था तो मैंने विशाल को इसके अंदर डाल दिए क्योंकि विशाल को ये सब चीज़ें चाहिए।